राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। टीकमगढ़ बुधवार की शाम को ईद का चांद नजर आया। सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गुरुवार को सुबह 8 बजे ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज मुफ्ती शहनशाह ने अदा कराई। नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन की दुआ हुई। इसके बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह कमेटी ने ईदगाह में माकूल इंतजाम किए। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने शहर के सभी मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। यातायात प्रभारी कैलाश कुमार पटेल, सूबेदार आर्या पाराशर द्वारा यातायात व्यवस्था की व्यवस्था नजर आई। पुलिस प्रशासन पूरे शहर में निगरानी करती थी। कोतवाली टी आनंद राज व देहात थाना प्रभारी अपने दलवल के साथ नजर आए। सदर अंजुमन अब्दुल रज्जाक, ईदगाह कमेटी, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू मलिक, पुलिस अधीक्षक रोहित कस्बानी, यातायात प्रभारी कैलाश कुमार पटेल, सूबेदार आर्य पाराशर, कोतवाली टी आई आनंद राज, विधायक यादवेंद्र सिंह, लोकसभा प्रत्याशी पंकज कुमार अहिरवार सहित शहर के सभी लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। के बाद हम लोगों को यह बड़ा ही सौभाग्य का मौका मिलता है कि आज हम लोग ईद की नमाज अदा करते हैं। 8 बजे कहाँ हुई, 8:30 बजे तक सारी मस्जिदों में नमाज हो जाएगी। अमन चैन की दुआ हुई। मैं यही चाहता हूँ मेरे भारतवर्ष में अमन चैन बना रहे। आज ये जो ईद का दिन है, ईद उल फितर कहा जाता है, मीठी ईद भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़ा ही मुबारक दिन है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि जब बंदे पूरे रमज़ान शरीफ की जो इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज तरावी का अहतमाम करते हैं, तो उसके बदले में अल्लाह तबारक ताला इस मुबारक दिन में जो है उन सब लोगों को जो है इनाम इकरामात से नवाजता है। और ये हमारे नबी ने हमें ये पैगाम दिया, हमें ये सबक दिया कि हम इस तरीके से ईद मनाएं जिस तरीके से हम अपने लिए ईद मनाते हैं, इसी तरीके से हम अपने दूसरे भाइयों के लिए भी ईद मनाएं। यानी जो जिनकी माली हालत कमज़ोर है या जिनकी कम है, तो उनके साथ भी जो है हर तरीके का जिस तरीके से हम ईद मना रहे हैं, उनकी हम इस तरीके से मदद करें कि उनकी ईद भी जो है हमारी तरह मने। किसी को भी जो है कोई एहसास ना हो, नहीं हो कि आज फलाने की ईद है या उनकी ईद, नहीं, बल्कि ईद के दिन जो है हर किसी के लिए बराबर रखा गया है। और आज मैं तमाम आलम इस्लाम को, पूरे मुल्क वासियों को जो है ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद शहनशाह, पेश इमाम जामा मस्जिद टीकमगढ़। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।